यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की सनक ने उसे न सिर्फ हत्यारा बना डाला बल्कि इस सनक की वजह से बेगुनाह को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सनक में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम योगेश है, जो कि बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव भुन्ना जाटान का रहने वाला है। योगेश के सिर पर जो संगीन आरोप हैं, उसे सुनकर एक बार तो कोई भी सन्न रह जाएगा। योगेश ने जो किया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कोई शख्स इतना निर्दयी हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए किसी बेगुनाह की हत्या कर देगा क्योंकि मृतक द्वारा उसके कारनामों की शिकायत आरोपी के परिजनों से कर दी गई थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सनकी योगेश पर आरोप है कि उसने अपने ही गांव निवासी सोनू की महज इसलिए सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि मृतक ने आरोपी योगेश की ट्यूबवेल पर नग्न अवस्था में नहाने की शिकायत उसके परिजनों से कर दी थी। आरोप है कि आरोपी योगेश शनिवार की सुबह गांव में स्थित ट्यूबवेल में नग्न अवस्था में नहा रहा था, जिसका विरोध रास्ते से गुजर रहे गांव के ही रहने वाले सोनू द्वारा किया गया। आरोपी योगेश ने सोनू की बात न मानते हुए उसे उल्टा धमका दिया, जिसके बाद मृतक सोनू ने इसकी शिकायत आरोपी के परिजनों से कर दी। शिकायत मिलने पर आरोपी के माता पिता ने योगेश की पिटाई कर दी। पिटाई से योगेश इतना भड़क गया कि उसने सरेराह सोनू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और सनक में हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। नहार सिंह मेरा नाम है, मृतक मेरे भांजे लगते थे, मैं उनका मामा। क्या घटना घटी है इनके साथ? ये तीनों भाई मोनू, सोनू और आकाश खेत से आ रहे थे। खेत से आने के बाद जगदीश ने सोनू को आवाज़ दी और उसे उसके खाली प्लॉट में ले गया। तभी एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, उसमें से चार लोग उतरे, उसमें एक चंद्रपाल और योगेश, उन्होंने धराधर गोली चलाई। जहां घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं बुलंदशहर की जहांगीरपुर पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर योगेश को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सोनू ने मेरे घर पर आकर शिकायत कर दी कि जो हमें नंबर आ रहा है, घर वालों ने मुझसे मेरे साथ में मारपीट की और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको बोल रहा था, तो मेरे पास में था। ये 12 जून की शाम को 4 बजे गांव भुन्ना जाट थाना जहांगीरपुर में एक सोनू नाम के युवक की, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, गोली मार करके हत्या की गई थी। उसे 2 गोली मारी गई थी। गांव में तालाब के किनारे 4 लोग बैठ करके ताश खेल रहे थे, जिसमें मृतक भी एक था। उसी बीच गांव का एक लड़का योगेश मोटरसाइकिल से आया। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद उसने तमंचे से 2 फायर उस लड़के पर किया सोनू पर, जिससे तत्काल मौके पर ही सोनू की मृत्यु हो गई। परिवारीजन उसको लेकर हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। इसके बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की, अभियुक्त की तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद मृतक के पिता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इस अभियुक्त के साथ साथ इसके पिता, इसके बाबा व 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों को नामित किया गया। पुलिस जब तत्काल मौके पर पहुंची थी तो चश्मदीद गवाह है और जो गांव के लोग थे, सबने इस बात की पुष्टि की थी घटना केवल एक व्यक्ति के द्वारा की गई है और घटना करने का जो तरीका था वो गांव वालों द्वारा बताया गया था। तत्समय मैंने भी टेलीफोन से वादी और वादी के वकील से बात किया और उसको बताया कि फर्जी अभियुक्तों का नामजदगी केवल प्रतिशोध पूरा करने के लिए न लिखाया जाए, क्योंकि पुलिस फर्जी अभियुक्तों को जेल नहीं भेजेगी। आज ये अभियुक्त योगेश गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा, दोनों कारतूस बरामद किए गए हैं।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मगर यह पहली बार नहीं हुआ जब बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद हत्याकांड जैसी किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया हो। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।